नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, बीते मंगलवार को एक खबर वसई विरार में काफी सुर्खियां बटोर रही थी। वो खबर थी, दरअसल नालासुपारा के धानी बाग में एक 15 वर्षीय बच्ची एक नाले में बह गई थी। आज उस मामले में एक सुखद जानकारी सामने आई है और नई अपडेट सामने आई है। सुखद जानकारी है, जो बच्ची बह गई थी आज वो जिंदा पाई गई है। फिलहाल बच्ची उत्तर प्रदेश में अपने ननिहाल में है, ऐसी जानकारी सामने आई है। अब ये जो मामला पूरा बीते मंगलवार को सामने आया था, उस समय काफी कुछ सवाल उठे थे। मंगलवार को बारिश भी बहुत ज्यादा थी, बच्ची के नाले में बहने की घटना के बाद में कई घंटों का सर्च ऑपरेशन चला, उसके बाद भी बच्ची का पता नहीं लग पाया था। उसके बाद दिन पर दिन बीतते गए, आज करीब 6 दिन हो गए और कल शाम को उस बच्ची की खबर आई। बच्ची की खबर आई कि बच्ची उत्तर प्रदेश में अपने ननिहाल में है। इस मामले पर कई खबरें बनी, हमने भी अपने चैनल पर खबर लगाई थी। जैसी परिस्थिति बताई गई थी, उस परिस्थिति के आधार पर खबर लगी थी। अब बच्ची मिल गई है, सुखद बात है, लेकिन सवाल अभी भी कई सवाल इस मामले में अभी भी है। दरअसल मंगलवार को बच्ची के बह जाने की खबर आने के बाद में प्रशासन ने अपनी भरसक कोशिश की, इसमें कोई दोराय नहीं है कि प्रशासन ने कोशिश नहीं की। लेकिन आज जब बच्ची मिली है, बच्ची का पता चला है, तब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर बच्ची उत्तर प्रदेश अपने ननिहाल पहुंची कैसे। उसमें बच्ची के पिता ने ऐसा बताया है कि उस दिन बच्ची की कुछ तबीयत खराब थी, तो उन्होंने उसको दवाई लेने के लिए थोड़ी डांट फटकार लगाई थी, उससे वो नाराज होकर गई थी। लेकिन साथ ही साथ बच्ची का जो छोटा भाई है, उसने आज भी फिर ये कंफर्म किया है कि मैंने अपनी बहन को नाले में गिरते हुए देखा था। बच्ची के सकुशल होने की समाचार आने के साथ ही ये भी जानकारी सामने आई कि बच्ची थोड़ी डरी हुई है और फिलहाल अपनी माँ से सिर्फ बात करती है। अब ये तो बच्ची के सामने आने के बाद, उसका पूरी तरह से घटना का खुलासा करने के बाद भी मालूम पड़ेगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक इतने दिनों से संशय चल रहा था और ऐसा बच्ची को लापता बताया जा रहा था, उस बच्ची की खबर अब मिल गई। मंगलवार को ही एक घटना और भी हुई थी, उसमें एक बच्ची की जान गई थी विरार में करंट लगने से। ये दोनों ही खबरें काफी सुर्खियां बटोरी थी, तो अब इस मामले में कम से कम थोड़ी राहत जरूर मिली। आगे वीडियो में देखिए उस बच्ची के परिजनों ने क्या कुछ कहा है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश जी, कैसे, क्या हुआ था, क्या जानकारी मिली है? बच्ची आपकी उस दिन बह गई थी, क्या कहेंगे? तो साहब, बहने के बाद तो हम लोग नाले में ही खोज रहे थे ना, हम उसके बाद कुछ बात नहीं हमको महसूस हुई थी। अच्छा, कोई बात नहीं मुझे मालूम था। लेकिन तो वो हम लोग खोजते खोजते तो थक गए साहब, 2-3 दिन तक 4 दिन तक मैंने अपने से भी घुसा नाले में, देखा लेकिन पता नहीं लगा। और वो लड़की वहाँ से किधर गई मुझे भी पता नहीं कि माने लड़की किधर है। जब मुझे मालूम हुआ साहब जी, तो मैंने पुलिस प्रशासन को पहले फ़ोन किया। अच्छा, फिर उसके बाद जो हमारे प्रेम परस्पी आदमी हैं उनसे बताया कि साहब भैया मेरी लड़की मिल गई है। मिल गए हैं। तो उन लोगों ने अपना अपना प्रचार जहाँ जहाँ तक सोचे वहाँ तक किए अपना जनाए, और पुलिस ने हमको बुलाया है 10:30 बजे, तो मैं जाने के लिए आज तैयारी कर रहा हूँ। दीक्षा 5-6 दिन से घर में नहीं है, कैसा लग रहा था आपको? अरे साहब, मैं क्या बोलूँ, मेरी शरीर बता रही है मैं किस कंडीशन में हूँ, कितना मेरा चेहरा ही खुद ही बता रहा है। पैर में भी लग गया आपको उस दिन, ढूंढ रहे थे? जी, एक पैर में लगा है ना साहब। अच्छा, पैर में तो बहुत जगह लगा है साहब, ये सब कर गया था। तो क्या आप नाले में आप ही घुस गए थे? जी, नाले में घुस करके ही खोज रहे थे साहब, दौड़ रहे थे ना पागल की तरह।
बच्ची को आपने उस दिन कुछ बोल दिया था दवाई के लिए? साफ दवा के खाने के लिए, साफ दवा अच्छा। नहीं खा रही थी और बीमार थी, तो इसलिए मैंने कहा दवा नहीं खा रही तो और रोग बढ़ेगा और हम गरीब आदमी, फिर रोग बढ़ जाएगा। तो साहब इतना मेरा पैसा नहीं है, कमाता नहीं हूँ, इस समय बारिश में बैठा हूँ साहब, तो थोड़ा मैंने जोर से बोल दिया था। तो मैं क्या जानता था कि मैंने ना नाराज हो जाएंगी और बिना बताए आप लोगों को छोड़ के भाग जाएगी घर पे। अच्छा, तो अभी ननिहाल में बात होती है बच्ची से? साहब इनकी मम्मी बात करती है साहब। अच्छा, हमसे अभी बात नहीं। बिटिया कैसी है अभी? दीक्षा ठीक है। दीक्षा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो पापा ने उनके डांट दिया था इसलिए वो नाराज हो गई और ननिहाल भाग गई है। हाँ। तो अभी फिलहाल कैसी आपसे बात होती है? बोले कि ठीक है मम्मी, दवा चल रहा है, अभी खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, दवा आई है। अच्छा, तो आप कैसे, आप खुश हैं ना? टेंशन मत लेना मम्मी, मैं ठीक हूँ। अच्छा लग रहा है मुझको, मेरी बेटी मिल गई मुझको, बहुत अच्छा है, जिंदा मिल गई मुझको, बहुत अच्छा है। दीदी को की बात, वो नाले में थी। अच्छा, गिर गई थी? गिर गई थी। अच्छा ठीक ठीक, अभी आपके सिस्टर, आपकी दीदी मिल गई, कैसा लग रहा है? अच्छा। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।